फ्रेंड्स, आज की वीडियो पे हम बनाने जा रहे हैं कैरेट पास्ता। उसके लिए हमने पास्ता को बॉईल करके रख लिया है। एक कढ़ाई ले लेंगे, थोड़ा सा तेल डालेंगे इसमें और सबसे पहले अंडे को फ्राई करके निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पे 4 अंडे लिए हैं, उसको फ्राई करके निकाल लेना है। हमने हल्के सा नमक डाला था इसमें। तो हम यहाँ पर कैरेट पास्ता बनाने वाले हैं, कैरेट यानी कि गाजर का पास्ता। तो उसमें हम अंडा भी डालेंगे, इसलिए अंडे को पहले फ्राई करके निकाल लेते हैं। हमने यहाँ पे 1/2 kg पास्ता को बॉईल करके रखा हुआ है और यहाँ पे उसमें प्याज, हरा मिर्च, कैरेट सब काट के रखा है। तो सबसे पहले तेल में प्याज डालेंगे, हरा मिर्च डालेंगे और साथ ही साथ एक कैरेट गाजर को डालेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब इसमें सॉसेज डालना शुरू करेंगे। एक छोटा सा बर्तन ले लिया है जिसमें हम यहाँ पे चिली सॉस, टमाटर सॉस थोड़ा सा डालेंगे। अब इसमें रेड चिली सॉस और कढ़ाई में जो अपना बन रहा है यहाँ पे उसमें डाल देंगे सोया सॉस, कैरेट के ऊपर में सोया सॉस। बाकी सब सॉसेज इसे मिला लेंगे। हल्का सा विनेगर 1 चम्मच डाल देंगे और इसके ऊपर में सारा पास्ता डाल के अच्छी तरह से फेंट लेंगे, जिसमें सॉसेज वाला पास्ता कैरेट वाला तो मस्त से इसमें मिक्स हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों इसमें धनिया पत्ता छिड़क के खाने का मज़ा लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना हमारे यूट्यूब चैनल समरीन किचन को। तो यहाँ पे अंडे जो हमने फ्राई करके रखे थे वो डाल लेंगे। अब इसके ऊपर में कद्दूकस के सहारे से हम कैरेट को क्रश करके डालेंगे अपना डेकोरेट करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना पास्ता रेडी हो चुका है, गैस बंद कर लेंगे। एक प्लेट ले लेंगे, इसमें सर्व करेंगे कैरेट पास्ता। ये देखिए यहाँ पे इस प्लेट में हमने सर्व कर लिया है। जितना आप खाना है उसको डेकोरेट करो और खाने का मजा लो। तो हम यहाँ सबसे पहले कैरेट इसमें डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा सॉसेज डाल देंगे इसके ऊपर में जितना आपको पसंद हो। सबसे पहले हम यहाँ पे रेड चिली सॉस डालेंगे, ये बहुत ही टेस्टी एंड स्पाइसी होता है खाने में। थोड़ा सा चिली सॉस डाल देंगे और थोड़ा सा टमाटो केचप डाल के खाने का मजा लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे यूट्यूब चैनल समरीन किचन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।